नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने जिले का कार्यभार संभालने के बाद आज पहली बार रावतसर पुलिस थाने पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। रावतसर थाने में पहुंचने पर जवानों द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद एसपी ने पुलिसकर्मियों से परिचय लेते हुए उनकी समस्याओं पर चर्चा की। एसपी ने बेरिक व मेंस का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। मेंस में लांगरी से मेंस के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एएसपी सुभाष शर्मा, सीओ महेंद्र मेघवंशी, सीआई अरुण कुमार चौधरी मौजूद रहे। रावतसर पुलिस थाने का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक नौहर के लिए रवाना हो गए, जहां पर नौहर पुलिस थाने का निरीक्षण करेंगे। बाजरा दो विधानसभा में जो चुनाव की तैयारियां हैं उनको लेकर हमने तय किया है। तो अभी थाने के सभी स्टाफ से हमने बात की। प्रेमावेशी थाने के कामकाज अच्छा है, चाहे लोगों को पाबंद करवाने की बात हो, चाहे हथियारों की जमा करने की बात हो, जो लाइसेंस हथियार हैं, अवैध गतिविधियों पर जो कार्रवाई है वो भी ठीक है और आगे बढ़ाने को निर्देश दिए गए। तो और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई है। मुख्य मार्ग जो चूरू जाने वाला है वो यहाँ से होकर गुजरता है, तो यहाँ कई तरह की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए उनको निर्देश दिए गए। आपके माध्यम से मैं आमजन से भी अपील करता हूँ कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है, कोई धन बल भुजबल से भी आपको प्रभावित करना चाहता है, या आपके पास और कोई शिकायत है, तो आप सीधा पुलिस को भी दे सकते हैं या एक सी विजिल ऐप है सिटीजन विजिलेंट, उसके ऊपर आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके और दें। उसमें 100 मिनट में निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, जिसका मॉनिटरिंग माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो अधिकाधिक यदि आप पुलिस को सहयोग करेंगे, सूचनाएं देंगे, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं।